पूरी दुनिया में बज गया भारत का डंका। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से भारत ने रचा इतिहास। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 आज अपने मकसद पर पहुंचा है। जी हाँ, हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक लगभग 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसके बाद अब वो वहां से चांद के अंधेरे वाले जगह पर पहुंचेगा और ऐसा करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क होगा। आपको बताएं तो चंद्रयान 3 के शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही रूस ने भी अपना लूना 25 मिशन शुरू किया था, जो कि कुछ खामियों के चलते नाकामयाब हो गया, जिसके बाद से दुनिया भर की उम्मीदें भारत के चंद्रयान 3 पर आ गई थी। वहीं बात करें चंद्रयान 3 की, तो चांद पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का इतिहास बन गया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हर हिंदुस्तानी का ख्वाब था। इसके लिए एक दिन पहले से ही नवाफिल नमाज पढ़ी जा रही थी और हवन भी करवाए जा रहे थे। हर हिंदुस्तानी को ये उम्मीद थी और दिल में यकीन भी था कि जरूर ही चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। वहीं इसकी लैंडिंग के बाद से ही पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। हर हिंदुस्तानी आज पटाखों के साथ इसका जश्न मना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लैंडिंग के बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ को बधाई दी और कहा कि वो उनसे ज़ाती तौर पर आकर मिलकर मुबारकबाद देंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी बेहद खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर भी मुबारकबाद की झड़ी लग गई है। लोग इस कामयाबी से बेहद खुश हैं और इसका जश्न भी मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।